बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर प्रतिभा प्रोत्साहन परीक्षा 2019। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। जिस डेलीगेशन में बिहार के एक्स चीफ मिनिस्टर हो, बिहार के सेंट्रल मिनिस्टर उपेंद्र कुशवाहा हो, सीपीआई कांग्रेस के राज्य के अध्यक्ष मदन मोहन झा हो, सीपीआई के राज्य मंत्री सत्यनारायण सिंह हो, बीबीआई पार्टी के नेता मुकेश सहनी हो, हमारे राजद के नेता मृत्युंजय तिवारी और एक एमएलए भी आए हुए, विधायक भी है, हमारे सीपीएम के नेता अरुण मिश्रा राज्य के मेंबर, और उसमें कलेक्टर या एडिशनल कलेक्टर या डीडीसी कोई नहीं मिले, एक सिटी मजिस्ट्रेट को भेज दे, ये हम लोगों की तोहिनी ही है। हम लोगों के साथ गलत ढंग से पेश किया गया है, एक तरह से नेग्लेक्ट किया गया, इसलिए हम डेलीगेशन मीट नहीं करेंगे, सिर्फ एक दे दीजिए मांग पत्र, अच्छा नहीं इसका प्रोटेस्ट बता रहा है। देखिए जो स्थिति है इसका प्रोटेस्ट बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और हम लोग समझ सकते हैं, जैसा कि पहले भी हम लोग कहते रहे और बिहार की जनता भी कहती रही कि इस सरकार में कोई भी विपक्ष से संबंधित कोई रोल हो अधिकारियों का या जनता से रिलेटेड, तो सीधे एक अन्य मार्ग से निर्देश आता है। अफसर का भी कुछ नहीं चल रहा है, अफसर भी बिल्कुल नीतीश जी के तानाशाह रवैया के सामने में बौना है, किसी अधिकारी को कुछ नहीं चल रहा है। हम जानते हैं कि यहाँ जो कलेक्टर आज नहीं है वो अपनी इच्छा से नहीं है, ऐसा नहीं होगा, इनको निर्देश आया होगा सीधे मुख्यमंत्री जी के यहाँ से कि क्या करना है, जबकि इनकी ड्यूटी बनती थी जो इनका कोड है उसके हिसाब से मुख्यमंत्री की भी बात आई थी तो इनको करना चाहिए था, अवॉइड करना चाहिए था और इतने लोग हैं इनको ट्रीट करना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद जो रवैया चल रहा है इस सरकार में कुछ भी नहीं है, सब चौपट है, इसका उदाहरण सीधे यहाँ दिख रहा है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने पहले ही कहा कि हम लोग जनता के साथ खड़े हैं, जनता की आवाज़ को स्वर देने के लिए, बल देने के लिए हम लोग आज सड़क पर उतरे हैं। हम लोगों का संघर्ष निरंतर आगे जारी रहेगा और तब तक जारी रहेगा जब तक एक अन्य मार्ग में इस तरह से आदेश देने वाले, गलत आदेश देने वाले मुख्यमंत्री बैठे रहेंगे, जिनके चलते जनता आज परेशानी में है। हर तरह से लॉ एंड ऑर्डर की चिंता इनको नहीं है और बाकी नेता लोग मिलने आ रहे हैं, उनसे मिलना है कि नहीं मिलना है कलेक्टर साहब को, इसके लिए निर्देश दिया जा रहा है। अपराधी किसी की हत्या करके राजधानी की सड़क पर दिन में चले जाते हैं, पकड़ा जाए कि नहीं पकड़ा जाए इसकी चिंता नहीं है। गाँव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई बिल्कुल ठप है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, इसकी चिंता मुख्यमंत्री जी को नहीं है। नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं, किसान चारों तरफ से परेशानी में है, जो शिक्षक है आज रोड पर है, वित्त रहित शिक्षा नीति के चलते आज जो परेशानी है शिक्षकों की, इन्होंने कहा कि हम अनुदान देंगे, आज कुछ अनुदान लोगों को नहीं मिला, एक 8 साल पहले मिला, सब लोग आज परेशानी में है, भुखमरी के शिकार है नियोजित शिक्षक, अब वेतन के लिए आंदोलन करेंगे कि पढ़ाएंगे। तो यह जो स्थिति है, इस स्थिति से निजात दिलाने के लिए हम लोग सड़क पर उतरे हैं। भारत सरकार का जो तानाशाह रवैया है उसके खिलाफ भी चारों तरफ नफरत का वातावरण, आर्थिक मंदी के दौर से देश गुजर रहा है, नौजवानों की छटनी हो रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, रेलवे सहित दूसरे सरकारी महकमों का बड़े पैमाने पर निजीकरण हो रहा है, छात्र जब सासाराम और सीतामढ़ी इत्यादि जगहों पर रेलवे के निजीकरण के खिलाफ उतरते हैं तो उनको बेरहमी से पीटा जाता है, नाजायज ढंग से मुकदमा में फंसा कर उनको जेल भेजा जाता है। हम लोगों के मुद्दा में तमाम इस तरह के मुद्दे शामिल हैं, इन मुद्दों को लेकर हमारा आंदोलन आज शुरू हुआ है, यह आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। सड़क पर हम उतरे हैं, सड़क पर रहेंगे और सड़क पर रहकर हम भारत सरकार और बिहार सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ अपना आंदोलन जारी रखेंगे, देश और बिहार की जनता को न्याय दिलाने का काम करेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे, लेकिन न्याय दिलाने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा के रूप में बिहार की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बैठी हुई है, इस सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे तभी जनता को न्याय मिलेगा, हम लोग यह जानते हैं, इसलिए तब तक हम लोगों का संघर्ष जारी रहेगा। ठीक ही कहा गया सब नेताओं के द्वारा, यहाँ आरजेडी के विधायक हैं सोनपुर के, सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, सारी पार्टी के लोग हैं जिनका नाम सत्यनारायण बाबू ने बताया, कम्युनिस्ट पार्टी सब लोग शामिल हैं,
और सब बिहार भर में यह कार्यक्रम हमारा चल रहा है। सभी जिला मुख्यालयों पर, तमाम जिला मुख्यालयों में आज जबरदस्त जंग से प्रदर्शन हुआ है। जनता का समर्थन व्यापक मिला है। बिहार भर में जनता को, जिन लोगों ने समर्थन किया हमारे इस अभियान का, उनको हम सब लोगों की ओर से धन्यवाद देते हैं। हमारे विभिन्न पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं उनको भी हम धन्यवाद देते हैं, उन सभी के प्रति आभार प्रकट करते हैं। और जैसा कि डिसीजन है कि सक्षम अधिकारी यहाँ कलेक्टर अगर विशेष परिस्थिति में रहते तो हम समझते कि विशेष परिस्थिति में चले गए हैं, लेकिन कलेक्टर बिना विशेष परिस्थिति के चले गए और ऐसे अधिकारी को उन्होंने डिप्यूट किया जिस अधिकारी को मुझको लगता है कि उनको डिप्यूट नहीं करना चाहिए था, कोई बड़े अधिकारी को डिप्यूट करना चाहिए था। कलेक्टर के इस रवैया के खिलाफ हम लोग तय करते हैं कि मीडिया के माध्यम से जनता के बीच हमारी बात जाएगी। अब इनको मेमोरेंडम हम लोग नहीं देंगे, यही हम लोग का फैसला है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।